अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ मैं एक सेक्स थेरेपिस्ट भी हूं, यानी कि मैं लोगों के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे यंगस्टर्स के बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो अडल्ट हैं या हमारे यंगस्टर्स जो हैं, ऑलमोस्ट हर कोई इस चीज़ का शिकार जो है वो नज़र आता है। और अगर शिकार ना हो तो उसके जहन में इसके बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं वो ज़रूर होते हैं। कुछ मिथ्स हैं, कुछ सवालात हैं जो कि लोगों के दिमाग में होते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ मैस्ट्रोबेशन की। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह से मैंने पॉइंट आउट किया उसको सुनते ही समझ गए होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या बात आज करने वाले हैं। मैस्ट्रोबेशन की जो है मैं बात करने वाली हूँ। मैस्ट्रोबेशन जो कि जिसको हैंड प्रैक्टिस भी लोग कहते हैं, ये हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी यूथ में और आदमियों में। ख़ास तौर पे इसका जो है वो बिहेवियर जो है मैस्ट्रोबेशन का, हैंड प्रैक्टिस का, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। और उसके हवाले से फिर बहुत सारे मिथ्स भी बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और लोग फिर उसको ब्लाइंडली उतना ही जो है वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उसको यकीन भी करते हैं। और उसी ब्लाइंड बिलीफ की वजह से, यकीन की वजह से, एतकाद की वजह से फिर उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं पहले अपनी एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपकी बॉडी जो है उसको हैंडल करती है, और उसके हिसाब से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो होती है। मैस्ट्रोबेशन जो है ये बहुत कॉमन बिहेवियर है हैंड प्रैक्टिस का, और लोग इसको समटाइम्स समझते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। ये बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता है अगर किसी इंसान के जहन में 24 घंटे जो है वो मैस्ट्रोबेशन का ख्याल जो है वो आ रहा हो और वो हर वक्त इसके बारे में सोच रहा हो। यानी अगर किसी, हम इसको प्रॉब्लम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसका बिल्कुल आपके क्लिनिकल जवाब देने लगी हूँ, जिसके बारे में आप सोचते हुए देखते हुए समझ सकते हैं कि क्या आपको ये इशू है या नहीं है। अगर किसी भी इंसान को मैस्ट्रोबेशन का इशू है, वो डिटरमिन कैसे होगा कि अगर आपको 24 घंटे सिर्फ मैस्ट्रोबेशन का ख्याल आपके जहन में आ रहा है, हैंड प्रैक्टिस का ख्याल आपके जहन में आ रहा है, आप खुश हैं आपको मैस्ट्रोबेशन का ख्याल आ रहा है, आप दुखी हैं आपको मैस्ट्रोबेशन का ख्याल आ रहा है, आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप मैस्ट्रोबेट करते हैं, आप किसी स्ट्रेस में आ गए हैं, कोई टास्क आपने पूरा करना है आप मैस्ट्रोबेट करने की कोशिश करते हैं, या आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, तो इस यानी किसी भी कोई भी सिचुएशन है, खुशी की, गमी की, दुख की, स्ट्रेस की, किसी भी किस्म की कोई भी सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन नहीं है, अगर आपके दिमाग में 24 घंटे मैस्ट्रोबेशन का ख्याल रहता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी मैस्ट्रोबेशन प्रॉब्लम नहीं, ये ख्याल का चिमटा रहना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा, हर वक्त चिमटे रहना जो है ये प्रॉब्लम है। तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको इसके लिए हेल्प लेनी चाहिए कि जी आपका ये मसला जो है वो हल हो सके। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि मैस्ट्रोबेशन जो है वो इनफर्टिलिटी लोगों में कॉज करती है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि जी आपका सीमन जो है वो ज़ाया होता है, स्पर्म ज़ाया हो जाते हैं, तो इस वजह से शायद ये जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। मैस्ट्रोबेशन ऐसा कुछ भी कॉज नहीं करती एक्चुअली। अगर आप मेडिकली इसको देखेंगे तो मैस्ट्रोबेशन की वजह से इनफर्टिलिटी जो है या टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो लोगों का बिल्कुल भी ना तो कम होता है और ना ही ये इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज करती है। यस, जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है इन दैट केस जब आप इसको हर वक्त अपने दिमाग पे सवार किए हुए हैं। हाँ, ये उस वक्त भी प्रॉब्लम हो सकता है जब किसी इंसान ने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली हुई हो कि जी जब तक उसने मैस्ट्रोबेट नहीं करना उसको नींद नहीं आनी, जब तक उसने मैस्ट्रोबेट नहीं करना वो खुश नहीं हो सकता। अगर आपने ये चीज़ें इस तरह से जोड़ ली हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, तो देन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि आपने किसी दो चीज़ों को आपस में नहीं जोड़ा हुआ, मैस्ट्रोबेशन को, खुशी, गमी को, स्ट्रेस को, या किसी और चीज़ को, तो फिर ये प्रॉब्लम, यानी फिर आपको इसके लिए कोई पेशा वराना हेल्प की उस तरह से ज़रूरत नहीं, आप खुद बखुद ही इसके ऊपर काबू करते हुए इसको मैनेज कर सकते हैं और ख़ुद ही आप इसको कम भी कर सकते हैं, और इससे अपनी जान छुड़वाना चाहें तो इससे जान भी छुड़ाई जा सकती है। मगर जैसे ये कहा जाता है कि ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है, ये बिल्कुल इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता। जैसे कहा जाता है कि जी मैस्ट्रोबेशन की वजह से लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह से लोग ये समझते हैं कि जी लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं लोगों का मैस्ट्रोबेशन की वजह से, उनकी फोकस कम हो जाता है, उनकी बनाई ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो मेडिकली ये कोई भी चीज़ जो है वो साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूव नहीं है कि जी ऐसा कुछ होता है। यानी बाल गिरते हों, टमी निकल आता हो,
या आंखों की बिनाई जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता हो या उसका फोकस ख़राब होता है मैस्ट्रबेशन की वजह से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये ख्याल 24 घंटे आपके दिमाग में है तो ये आपको परेशान कर रहा है, तो फिर इसकी वजह से आप डिफोकस भी होते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, स्ट्रेस का लेवल भी इंक्रीज़ करता है, तो फिर ये आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। द थॉट ऑफ हैविंग मैस्ट्रबेशन जो है हर वक्त अगर ये दिमाग में बैठा हुआ तो फिर ये इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। देन यूजली लोग जो चीज़ यानी बाल वगैरह, अगर कुछ लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही बायोलॉजिकली कम या ज़्यादा हो रहा हो तो उस सूरत में हो सकता है कि लोगों की जो है वो टमी जो है वो निकले, यानी उनका पेट निकलना शुरू हो जाए, उनके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाएं, और वो यानी थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम या ज़्यादा बायोलॉजिकली हो रहा हो, मैस्ट्रबेशन की वजह से नहीं, बायोलॉजिकली ही उसमें डिक्रीज आ रहा हो, इन दैट सिचुएशन जो है बाल कम हो सकते हैं, टमी निकल सकता है, वेट इंक्रीज हो सकता है या किसी का वेट कम भी हो सकता है। अगर कुछ लोगों में हाइपर सेक्शुअलिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम आने वाले दिनों में ज़रूर वीडियो जो है वो बनाएंगे, तो उस सूरत हाल में ये हो सकता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बायोलॉजिकली नेचुरली उनके जिस्म में किसी फॉल्ट की वजह से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तब बाल गिर सकते हैं, पेट भी निकल सकता है, मगर मैस्ट्रबेशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ही मैस्ट्रबेशन करने से इनफर्टिलिटी कॉज होती है और ना ही जो है आप टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके कुछ मिथ्स को कम करते हुए आपको एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको मिली होगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम मैस्ट्रबेशन से ज़्यादा उसका ख्याल 24 घंटे जो आपके दिमाग को चिमटा हुआ है वो है, प्रॉब्लम मैस्ट्रबेशन नहीं है। हर वक्त उसका ख्याल जो है वो आपके दिमाग में अगर चिमटा हुआ है और आपने कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ दिया हुआ है, अपनी खुशी गम को, स्ट्रेस को, इसी तरह से अपनी नींद को, इन चीज़ों को अगर आपस में जोड़ दिया हुआ तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है और आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।